गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैंगो पेस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स के पेस्ट पढ़े, कुछ फील्ड क्रॉप्स के पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे मैंगो के। तो मैंगो की जो क्रॉप है, ध्यान रखना, मैंगो की जो क्रॉप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इससे आपके सिलेबस में इसके चार पेस्ट है। ठीक है, और चारों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक पेस्ट आपको मैंगो का हो सकता है, एक नहीं तो एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैंगो के पेस्ट को एनलिस्ट कीजिए, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑर्डर, वो सब लिखना है, और किसी एक पेस्ट के बारे में आपको हो सकता है ये बता दे कि आपको इसको डिस्क्राइब करना है, देखे कि आपको इसको क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। तो हम बात करेंगे मैंगो की। मैंगो के आपके कोर्स जो है उसमें चार इम्पोर्टेंट पेस्ट है, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स का तो सबको पता है, ठीक है, एंटो 311, ठीक है, पेस्ट्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे मैंगो के बारे में, और मैंगो का सबसे पहले जो पेस्ट है हम बात करेंगे इसकी, तो ये है मैंगो मिलीबग। ठीक है, मैंगो मिलीबग। अब मिलीबग आई थिंक देखा होगा आपने, अभी कॉटन का सीजन चल रहा है, कॉटन में भी बहुत बार आता है, वाइट कलर का आपने देखा होगा, वो देखने में पेस्ट नहीं लगता। इसको आप जब देखोगे, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि वाइट, कोई वाइट पाउडर है जो कि लीव्स के ऊपर गिर गया है या फिर लगा हुआ दिखेगा आपको, ये पेस्ट नहीं दिखता क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पेस्ट होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम है इसका ड्रोसिका मैंजीफेरी। ठीक है, ड्रोसिका मैंजीफेरी, और फैमिली है इसकी कोक्सीडी। कोक्सीडी फैमिली है, लेकिन ये जो फैमिली है इसके साथ साथ, यानी कि कोक्सीडी जो है, लेकिन कुछ बुक्स में क्या है, इसको मार्गोडीडी भी लिखा मिलेगा आपको, है ना। तो कोई सी भी याद कर लेना, सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब फिर बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर है इसमें हेमिप्टेरा। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर के बारे में हम पहले भी कुछ पेस्ट पढ़ चुके हैं। इस ऑर्डर की खास बात क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो पेस्ट है, सॉरी, ये जो ऑर्डर है इसकी खास बात क्या है कि इनकम्प्लीट होगा एक तो। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, और लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होगी, तीन स्टेज, तो इतना ध्यान में आता ही आपको, और भी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, जैसे कि कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, तो दोनों, निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाएंगे। प्लस क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट हैं मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, हनी ड्यू का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर फंगस का अटैक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरफ से, दो तरह से क्या है, अटैक करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। ठीक है, हेमिप्टेरा, यहाँ मैंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है, होमोप्टेरा। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है इसको दो सब ऑर्डर्स में बांटा गया है। ठीक है, सब ऑर्डर्स में बांटा गया है, एक होता है होमोप्टेरा, एक होता है हेट्रोप्टेरा। ठीक है, हेट्रोप्टेरा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, होमो, जैसा कि होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे, है ना, समान या इक्वल। तो होमोप्टेरा जो होते हैं ये विंग्स के आधार पर, प्टेरा का मतलब क्या होता है, विंग्स, है ना। तो होमोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसमें क्या होता है, दोनों जोड़ी जो विंग्स होंगे, यानी फोर विंग और हाइंड विंग, दोनों ही क्या मेम्ब्रेनस होंगे। लेकिन हेट्रोप्टेरा जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, आगे वाले जो पंख होते हैं वो, उसका हाफ पोर्शन क्या होता है, हार्डन होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, रेड कॉटन बग हमने पेस्ट पढ़ा था, तो उसके आगे वाले जो विंग्स होते हैं, फोर विंग्स, उसका हाफ पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, टफ होता है थोड़ा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोप्टेरा, यानी कि फोर विंग और हाइंड विंग क्या अलग अलग होते हैं। इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, अगर ये याद नहीं रहे तो सिर्फ हेमिप्टेरा याद रख लेना। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट्स की। तो ये कहने को तो मैंगो स्टेम बोरर कहते हैं, लेकिन ये क्या आप मान सकते हो इसको, ये पॉलीफेगस पेस्ट है, यानी मैंगो के साथ साथ ये क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी है, जैसे पियर हो गया, पीच हो गया, या फिर एप्पल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं ना, प्लास का पेड़ हो गया, जितने भी फ्रूट ट्रीज है लगभग सब में लगता है ये। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की। ठीक है, कि ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो इसका जो डैमेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टार्टिंग की। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योंकि उससे इसका मैनेजमेंट जो होगा वो स्टार्टिंग पे डिपेंड रहेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए ये कोई मैंगो ट्री है। ठीक है, ये कोई मैंगो का पेड़ है। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे हम इसकी, कि इसका डैमेज कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होती है, इसकी फीमेल जो होती है, ठीक है, इसकी फीमेल जो होती है वो एग्लेइंग करती है यहाँ पे, यानी कि
क्या है, रूट्स जो होती है रूट्स के पास, या फिर यहाँ पे जो फालन लीव्स है, ठीक है, गिरी हुई पत्तियाँ जो होती है उनके नीचे, इन जगहों पे क्या है इसकी एग लेइंग होती है। ये यहाँ पे क्या करेगी, एग्स देगी फीमेल जो है। अब एग्स देने के बाद ये एग की जब हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जो फर्स्ट इंस्टार के निम्फ निकल के बाहर आते हैं, इसकी जो इमेच्योर स्टेज को क्या बोलते हैं, निम्फ। तीन स्टेज होती है तो क्या बोलते हैं, एग निम्फ और एडल्ट, और चार होती है तो एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट। तो इसकी जो निम्फ स्टेज है, ठीक है, ये जो निम्फ स्टेज है ये क्या करते हैं, ये निम्फ जो है बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये यहाँ पे क्रॉलिंग करके, क्योंकि इनके विंग्स नहीं होते, ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग किसको बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं ऊपर चढ़ने को, कोई भी चीज़ जो ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। इनको क्रॉल्स भी बोल देते हैं, ये जो निम्फ होते हैं इनको क्या है, क्रॉल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि क्रॉलिंग करके चढ़ते हैं ना, तो इनको क्रॉवल्स भी बोल देते हैं। अब होता क्या है, ये क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे इस ट्रंक की सहायता से, यानी कि जो स्टेम होता है स्टेम के सहारे ही चढ़ेंगे ऊपर, और फिर यहाँ ऊपर जो भी टहनियाँ वगैरह है या फिर लीव्स है ना, जो भी बर्ड्स हो गई या फिर लीव्स हो गई, ये यहाँ पे जाके क्या है, चिपक जाते हैं लीव्स पे, बर्ड्स पे, उन पे चिपक जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद ये क्या करते हैं, क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो माउथ पार्ट कैसे होंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, सभी हेमिप्टेरा की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, पियर्सिंग एंड सकिंग, यानी कि चुभाने और चूसने वाले, चुभाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग क्या है, माउथ पार्ट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लीफ जो होती है, लीफ की बिलो सरफेस पे या अपर सरफेस पे आपको दिख जाएंगे आसानी से, वहाँ पे जाके ये क्या है, उनको सेप सक करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने माउथ पार्ट को पिंच करते हैं उसके अंदर, और फिर क्या है, पंच करने के बाद क्या है, वहाँ से सेप को सक करते हैं, यानी कि जूस जो होता है लीव्स का उसको सक करते हैं। तो इससे क्या होगा कि लीफ जो होती है वो क्या है, धीरे धीरे क्या होती है, येलोइश होने लगती है, और बाद में ड्राई हो जाती है, ड्राई होके सूख जाती है, ठीक है, झड़ने भी लगती है। और फ्रूट्स जो होते हैं अगर स्टार्टिंग स्टेज में डैमेज हो जाए तो फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट भी प्री मेच्योर ही झड़ने लगते हैं, यानी कि बनने से पहले ही झड़ने लगते हैं फ्रूट में भी। और ऐसे ही फ्लावर होता है, फ्लावर की बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग होने लग जाती है इसकी वजह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक तो मैंने आपको बताया कि ये येलोइंग होने लग जाएगी, फ्रूट फ्लावर लीव सभी झड़ने लग जाते हैं, प्लस क्या होता है कि हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो ये क्या करते हैं, हनी ड्यू, अभी मैंने आपको बताया हनी ड्यू यानी कि एक चिपचिपे जो है पदार्थ का सिक्रेशन करती है, स्राव करती है, उससे क्या होगा, लीफ जो होती है लीफ के ऊपर जैसे ये हनी ड्यू का सिक्रेशन करेगी उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो फंगस होती है फंगस का अटैक हो जाएगा। अब फंगस का अटैक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो लीफ है, लीफ जो है वो क्या है, ब्लैक कलर की दिखने लग जाती है, लीफ क्या हो जाएगी, ब्लैकिश कलर की होने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो अब ब्लैक कलर होगी यानी लीफ जो है, लीफ के ऊपर ब्लैक कलर का एक शूटिंग मोल्ड का अटैक हो गया, एक लेयर बन गई, तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, सॉरी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अब फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो पौधे क्या है, भोजन नहीं बना पाएंगे, तो इससे क्या होता है बाद में फ्रूटिंग वगैरह में और फ्लावरिंग वगैरह में दिक्कत आती है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होने लगता है। मेजर पेस्ट है ये मैंगो का, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रूट्स के पास से, है ना, तो ये ध्यान रखना। इससे क्या होता है, इसका डैमेज भी हम क्या है, सॉरी इसका जो मैनेजमेंट होगा वो भी हम इसी से कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे कि हमें पता है कि ये जो निम्फ है ये फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। अब उड़ नहीं सकते इसका मतलब क्या है कि क्रॉलिंग करके चढ़ेंगे ऊपर। अब क्रॉलिंग करके चढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो पेड़ जो होता है, ठीक है, ट्रंक जो होता है या फिर बात करें ये स्टेम जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, इतनी दूर तक यानी कि 1 से 2 मीटर तक हम क्या करते हैं, या तो किसी केमिकल को यहाँ पे लगा देंगे इस ट्री के आसपास, ठीक है, ये जो ट्रंक है इसके ऊपर क्या करेंगे, किसी केमिकल को लगा देंगे जिससे क्या ना चढ़े। लेकिन सबसे ज़्यादा वो तो हो गया केमिकल के अंदर, लेकिन मैंगो मिलीबग के लिए एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस काम में ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, वो क्या है, ट्री बेंडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ट्री बेंडिंग।
अब ट्री बेंडिंग क्या होता है कि बेंड करना, बांधना। हम क्या करते हैं, ये स्टेम जो होता है इसको 1 से 2 मीटर ऊपर गहराई तक क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। बांधने का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉलीथीन की सीट लगाएंगे, ठीक है। ये जो तना है इसके ऊपर पॉलीथीन की सीट लगाएंगे। ये सीट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ यानी कि जिसकी थोड़ा सा बात करें स्मूथ हो जो, वो चीज़ यानी कि ग्रीस मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, मोस्टली ग्रीस यूज में लिया जाता है। तो इस ग्रीस को क्या है, इसके ऊपर लगा देते हैं, ये जो है ना, इसके ऊपर क्या है, जो पॉलीथीन की सीट हमने लगाई है, इस सीट के ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ये क्या है, पॉलीथीन सीट, ठीक है। इस पॉलीथीन सीट के ऊपर क्या करते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये हमने पूरा जो है तना इसको कवर कर लिया, तो कवर करने के बाद क्या होगा, ये क्रॉल्स जब यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, ठीक है, प्लांट के ऊपर नहीं जा पाते, और क्या है, वापस से नीचे गिर जाते हैं, जिससे क्या है, डैमेज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही डैमेज नहीं होता, तो ऊपर डैमेज होता है वो डैमेज नहीं होगा। अगर एक बार ये क्रॉलिंग कर जाते हैं ऊपर, तो उसके बाद क्या है, इनका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो पेड़ के ऊपर ही गुजरता है। उसके बाद फीमेल जो होती है, मैच्योर फीमेल होती है, वो फ्लाई करके वापस क्या है, रूट्स वाले एरिया में आ जाती है, और वहाँ पे आके एग लेइंग करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है, हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना इसका नेचर ऑफ डैमेज, ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज कैसे होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से देख लेना भाई इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है। अब ये हो गया, अब देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों ही स्टेज क्या है इसकी नुकसान पहुँचाती है, लेकिन दोनों स्टेज में इस पेस्ट में डिफरेंस क्या है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वाइट फ्लाई, नॉर्मली हेमिप्टेरा ऑर्डर में क्या होता है कि लाइफ साइकिल में 3 ही स्टेज होती है, लेकिन वाइट फ्लाई में क्या होती है, 4 स्टेज होती है ना, प्यूपा स्टेज भी होती है। सेम कंडीशन इसमें है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो कैसे होता है कि इसमें मेल का लाइफ साइकिल अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है, मेल और फीमेल का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस क्या है, जो डैमेज जो होता है, अब नॉर्मली हमें पता है कि निम्फ और एडल्ट दोनों से होता है, लेकिन इस केस में बात करें, अगर जो बात कर रहे हैं हम इस पेस्ट के सिलसिले में अगर बात करें, तो इसमें क्या होगा कि फीमेल जो है वो तो डैमेज करेगी एडल्ट में, निम्फ दोनों के जो है नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन एडल्ट अगर बात करें तो एडल्ट सिर्फ फीमेल नुकसान पहुँचाती है ना। मिली बग में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, निम्फ तो दोनों के नुकसान करेंगे, लेकिन एडल्ट में क्या है, सिर्फ फीमेल, जो फीमेल जो होती है, मादा जो होती है, मादा प्रोटकीट और निम्फ जो होते हैं शिशु, वो ही नुकसान पहुंचाते हैं, एडल्ट मेल जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका रीज़न क्या है कि निम्फ से जब ये एडल्ट में बदलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, मोल्टिंग के दौरान ऐसे चेंजेज होते हैं कि इनके अंदर माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं। एडल्ट जो मेल होते हैं उसके अंदर माउथ पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं, लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उनका लाइफ साइकिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और ये क्या, फीड नहीं कर पाते। इसलिए क्या है, ध्यान रखना, निम्फ और एडल्ट फीमेल ही नुकसान पहुंचाती है। यही रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो जो आपके न्यू टाइप वाला पार्ट होता है ए पार्ट, उसमें भी बन जाते हैं, ठीक है। निम्फ एंड एडल्ट फीमेल, अब इससे क्या होगा, जैसे ही ये अभी मैंने आपको बताया नेचर ऑफ डैमेज में प्लांट से सेप सक करेंगे, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे फ्लावर्स जो है वो ड्रॉप्स होने लग जाएंगे, फ्लावर झड़ने लग जाएंगे। प्लस क्या है, हनी ड्यू का सिक्रेशन करेगा तो क्या होगा, फंगस का अटैक हो जाएगा, फंगस का अटैक होगा तो लीव्स क्या है, ब्लैकिश कलर की नज़र आने लग जाएगी। अब इसके एडल्ट्स जो होते हैं, इसके बाद क्या होंगे, इसके एडल्ट्स जो हैं वो क्या है, हाइड्स यानी कि छिपे रहते हैं, कहाँ पे, जो स्टेम जो होता है, स्टेम की अगर बात करें, नीचे वाला जो पोर्शन होता है यानी कि सोइल के आसपास वाला, तो वहाँ पे जितनी भी लीव्स जड़ी हुई है यानी पुरानी पत्तियाँ जो झड़ गई है या फिर और हैं, वहाँ पे क्या होता है, इसका जो एडल्ट होता है वो छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है, डोरमेंसी में रहता है, ठीक है। ऑन सोइल यानी कि सोइल के ऊपर जितनी भी पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई है उनके नीचे क्या है, एडल्ट इसका छिपा हुआ रहता है। डैमेज की बात करें तो इसका अप टू 50% तक इसका क्या है, नुकसान देखा गया, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल अगर नॉर्मली बात करें, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या होता है कि फीमेल में तो यही होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है, लेकिन मेल जो होता है इसके अंदर क्या है,
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज होगी, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें, अब बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल में एक एक स्टेज की, तो फर्स्ट है एग, ठीक है। एग मैंने आपको बता दिया, एगलिंग कहाँ होती है, तो देखिए नियर रूट्स, जड़ों के पास, विद इन सोइल, सोइल के अंदर जड़ों के पास होगी। ये क्या करती है, फीमेल कुछ गहराई पर जाके और वहाँ पे एगलिंग करती है, 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे जाके क्या होता है, रूट वाला जो पोर्शन होता है मैंगो ट्रीज़ का, वहाँ पे एगलिंग होती है, ठीक है। अब एगलिंग जो होती है वो कैसे होती है, ये सबसे पहले क्या करती है, जो आप एनल रीजन जो होता है वहाँ से क्या एक पॉकेट बनाती है, ठीक है, एक पॉकेट बनाएगी, यानी कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, पॉकेट होगी, और इस पॉकेट के अंदर क्या है, एग्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, एग्स जो है वो कवर रहते हैं एक पॉकेट के अंदर, ठीक है, विद इन पॉकेट, एक पॉकेट के अंदर एग्स कवर रहते हैं 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर, और एक फीमेल द्वारा क्या है 300 से 400 तक एग्स दिए जाते हैं। अब एग जो होते हैं उनकी लेंथ होती है 1.25 एंड विड्थ होती है 1 mm, 1.25 mm और विड्थ होगी 1 mm, और शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार शेप के होंगे, बेलनाकार शेप के, पिंक कलर के, गुलाबी रंग के होते हैं, जो बाद में क्या हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, भूरे रंग में बदल जाते हैं। तो इसके एगलिंग की प्रोसेस होगी, तो कहाँ होते हैं, रूट वाले एरिया जो होता है वहाँ पे, सोइल के अंदर 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर, पॉकेट के अंदर ग्रुप में एग्स दिए जाते हैं लगभग 300, और फिर क्या होता है, लेंथ मैंने आपको बता दिया 1.25 mm, और विड्थ होती है 1 mm के आसपास, पहले पिंक होते हैं, बाद में क्या है, ब्राउन होने लग जाते हैं और सिलेंडर शेप में होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है निम्फ। यहाँ तक क्या है, अब इसका लाइफ साइकिल है वो सेम है, ठीक है, चेंज होगा वो मैं बता दूंगा। अब दोनों का क्या है, मेल और फीमेल का लाइफ साइकिल सेम चल रहा है। यहाँ पे क्या, निम्फ जो होंगे वो रेड कलर के होंगे, ध्यान रखना। क्या होता है, इसके जो निम्फ होते हैं, निम्फ का कलर तो रेड होता है, ठीक है, जैसे व्हाइट फ्लाई में क्या होता है, व्हाइट फ्लाई क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके विंग्स जो होते हैं उसके ऊपर व्हाइट पाउडरी मास रहता है, यानी कि व्हाइट जो है वो पाउडर लगा रहता है, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट फ्लाई। लेकिन एक्चुअल में उसका अलग बॉडी कलर क्या होता है, येलो होता है। वैसे इसके अंदर क्या होता है, जो कलर होता है वो रेड होता है, निम्फ का जो अगर बात करें कलर क्या होता है, रेड। लेकिन पूरी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी में क्या है, वैक्स ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी क्या है, वैक्स ग्लैंड्स होती है, और उन वैक्स ग्लैंड से क्या है, वाइट कलर का एक पाउडर का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे बॉडी जो है वो कवर रहती है वाइट कलर से, इसलिए इसको, इसके क्या है, हमें वाइटिश दिखाई देता है। ये आपको कभी भी रेड कलर का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या है, पूरे बॉडी जो है वो कवर रहती है वाइट पाउडर से, तो रेड कलर का होता है। साइज होता है इसका 1 mm, ये स्टार्टिंग की बात है ना, जब जो निम्फ है उससे, सॉरी एग से क्या है, निम्फ हैचिंग होती है उस टाइम, क्रॉलिंग करेंगे, ये मैंने आपको बताया, क्रॉल्स करके पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे। अब क्या है, ये बात चल रही है फर्स्ट मोल्टिंग की, है ना, जब फर्स्ट मोल्टिंग होगी उसके बाद क्या है, दूसरी मोल्टिंग होते ही, यानी कि सेकंड इंस्टार का जो निम्फ होगा वहाँ से क्या है, इसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक सब सेम है, रेड कलर होगा, ये सब है ना। इसके लगभग 2 महीने बाद, है ना, आफ्टर 2 मंथ क्या होता है, चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चेंजेस का मतलब कैसे है, मेल और फीमेल जो है दोनों में क्या है, डिफरेंस हमें पता लग जाता है कि कौन सा जो निम्फ है वो मेल है और कौन सा फीमेल है, तो उसका पता चल जाता है। यानी कि सेकंड इंस्टार के बाद क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट तो हो गया, अब मोल्टिंग होने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, फीमेल की बात करेंगे, अब दोनों की अलग अलग बात करेंगे, मेल और फीमेल की। तो सबसे पहले फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल क्या है, साइज होता है लगभग 8 mm का, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, फीमेल क्या है, ब्राउन कलर की होगी, जिसके ऊपर वाइट पाउडर लगा रहता है, ये मैंने अभी आपको बताया, बॉडी जो है वो कवर रहती है वाइट पाउडर से, वाइट पाउडर लगा रहता है, ठीक है, और लेंथ जो होती है वो क्या है, 1 cm, ठीक है, लेंथ 1 cm होती है। और अब बात करें इसकी मोल्टिंग की, तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या है, 3 मोल्टिंग होगी, ठीक है, यानी फीमेल्स जो है, निम्फ फीमेल निम्फ की बात करें तो उसमें क्या है, 3 मोल्टिंग होगी, उसके बाद क्या है, वो एडल्ट में बदल जाएगी। अब क्या है, फिर बात करेंगे फीमेल की, सॉरी मेल की, फीमेल तो होगी, अब बात करेंगे मेल की, तो मेल में क्या होता है, चेंजेस क्या होता है, इसमें चेंजेस ये होगा कि मेल जो है वो पहले किस में बदलेंगे, प्यूपा में, इसमें तो क्या है, फीमेल है, निम्फ है, निम्फ से 3 मोल्टिंग होने के बाद डायरेक्ट एडल्ट में बदल जाती है, वही बॉडी साइज चेंज होता रहता है और कुछ नहीं है।
बाकी फीडिंग का सिस्टम भी सेम रहता है, माउथ पार्ट भी डेवलप्ड होते हैं। मेल में क्या होगा, निम्फ जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्यूपा के अंदर पहले, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अपनी बॉडी जो है उसके पास आसपास एक वैक्स कोट बनाएंगे, यानी कि मोम का क्या है एक परत बनाएंगे, उस परत के अंदर ये क्या है प्यूपा में रहते हैं, प्यूपल स्टेज में, ठीक है। कन्वर्टेड इन प्यूपा वैक्स कोट के अंदर, ठीक है। और साइज़ क्या होता है 7 mm। तो ये है मेल में। तो ये निम्फ की बात चल रही है, मेल निम्फ और फीमेल निम्फ में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे एडल्ट की, अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि जो है सेक्सुअल डिफरेंस होता है दोनों में, मेल और फीमेल के अंदर, और आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। अब क्या होता है, देखिए मेल की बात करें अगर स्टार्टिंग में, तो मेल में क्या होगा, वन पेयर ऑफ विंग होती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि विंग्स क्या होगी, वन पेयर ऑफ विंग्स होगी, ठीक है। एक जोड़ी पंख होती है, वेरी डेलिकेट यानी कि बहुत ही कोमल, या बात करें मुलायम होते हैं, इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही मुलायम होती है, रेड कलर की होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसका साइज होता है 5 mm, और 13 mm क्या होती है विंग का स्प्रेड, यानी पंखों का जो फैलाव है वो क्या होता है 13 mm के आसपास। और इसमें एंटीना जो होती है वो होती है होल्ड ब्लैक कलर की, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्राकार, यानी कि चक्राकार क्या है एंटीना होती है, ठीक है, एंटीना होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। और माउथ पार्ट क्या रहते हैं एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है भी ध्यान रखना, माउथ पार्ट इसके अंदर नहीं होते हैं, एडल्ट मेल जो होगा उसके अंदर माउथ पार्ट एब्सेंट रहते हैं। अब बात करेंगे फीमेल की, यानी कि मादा जो है एडल्ट फीमेल है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या है विंगलेस, क्या होगी पंख नहीं होंगे इसके, ठीक है, विंगलेस होगी। इसमें क्या हुआ है, वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं लेकिन यहाँ पे विंगलेस होती है। अब बात करेंगे बॉडी की, तो ये क्या है ओवल शेप बॉडी होती है, यानी कि अंडाकार बॉडी होती है इसकी, और लेंथ होती है इसकी अगर बात करें बॉडी की तो 14 to 60 mm, ठीक है। वाइट, वाइट तो आपको पता ही है पाउडरी मास से कवर रहती है, वाइट कलर की होगी, ठीक है। अब बात करेंगे ब्लैक, यानी कि इसकी टांगें जो होती है, टांगें जो होती है वो क्या होती है ब्लैक कलर की होगी, 3 जोड़ी टांगें होगी, तीनों ही क्या है ब्लैकिश कलर की होती है, आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फीमेल का, ठीक है, एडल्ट में है तो पता लग गया, यानी कि निम्फ में भी मेल फीमेल में डिफरेंस होता है। कब तक नहीं होता, जब तक फर्स्ट मोल्टिंग नहीं हो जाती है ना, फर्स्ट इंस्टार का जो लार्वा होता है सेकंड मोल्टिंग होने के बाद ही क्या इसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मेल अलग होती है फीमेल अलग होती है। ऐसे ही एडल्ट में होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, दोनों में डिफरेंस होगा मेल फीमेल में, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होती है, जो फीमेल होगी, मेल का क्या है लाइफ साइकिल आपको बता दूं मैं, मेल में क्या रिप्रोडक्शन जैसे होता है ना, उसके बाद क्या है मेल जो है वो डेथ हो जाती है, मेल की डेथ हो जाती है, उसके बाद सिर्फ फीमेल जो होती है बचती है, वो एगलेइंग करती है, एगलेइंग के बाद वापस से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें, अब देखो आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे क्या है फीमेल के विंग्स नहीं होते, और एगलेइंग कहाँ होती है सॉइल के ऊपर। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि अब मैंने आपको जैसे बताया कि मान लीजिए ये ट्री है, तो यहाँ पे क्या है ये क्रॉलिंग करके ऊपर चढ़ेंगे, निम्फ जो है वो लीफ को शक करेंगे, है ना, सेप को शक करेंगे, उसके बाद फीमेल जो है ना वो भी सेप को शक करेगी, उसके बाद फीमेल जो होती है वो क्या है रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ से नीचे गिर जाती है, यहाँ पे सोइल के ऊपर, सोइल के ऊपर गिर जाएगी, और सोइल के ऊपर क्या है वहाँ पे एगलेइंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना भी, ये हो गया। अब अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, है ना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया लाइफ साइकिल का, टाइम देख लीजिए क्या क्या होता है फीमेल, ये लाइफ साइकिल है मेल का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, लाइफ साइकिल में कितनी होगी 4 स्टेज, ये होता है फीमेल का, यानी कि जिसके अंदर क्या है लाइफ साइकिल में 3 ही स्टेज होगी और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो पहले इसी की बात करेंगे, क्या है एग स्टेज की बात करें तो 6 से 7 दिन बाद मोल्टिंग के क्या होगा निम्फ बनेगा, और निम्फ से क्या है 3 से 3.5 दिन बाद क्या होगा एडल्ट बनेगा, और एडल्ट से फिर क्या है लगभग 30 डेज के बाद क्या है वापस से एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल किसकी बात हो रही है फीमेल की, है ना, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और टोटल लाइफ साइकिल होता है 42-102, यानी कि 102 दिन का 40 से। अब बात करेंगे मेल की, ये तो हो गया फीमेल का, नॉर्मल हेमिप्टेरा ऑर्डर में होता है सेम है फीमेल। अब बात करेंगे मेल की, तो मेल में क्या चेंजेस होते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में
चार स्टेज होगी। अब चार स्टेज होगी तो लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लाइफ साइकिल में चार स्टेज होती है, एग से 6-7 दिन बाद में क्या होता है, लार्वा बनेगा। लार्वा से 2-3 दिन बाद में क्या है, प्यूपा बनता है। और प्यूपा से 3 वीक के बाद, है ना, या W का मतलब क्या है, वीक। तो प्यूपा से 3 वीक बाद, और ये मंथ है ध्यान रखना, ये डेज नहीं है, मंथ है, 2 मंथ बाद एग है। एग से 6-7 दिन बाद लार्वा बनेगा, और लार्वा से क्या है फिर 2 मंथ बाद में क्या है, बनेगा प्यूपा। और प्यूपा से लगभग 3 वीक बाद में, यानी कि 21 दिन बाद में क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। और एडल्ट क्या होता है, डेड हो जाता है, एडल्ट की यहीं पे मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब इसका लाइफ साइकिल जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एगलिंग के बाद जब दोबारा से जो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका भी सेम सिस्टम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और लाइफ साइकिल में चार स्टेज होती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे डायग्राम की। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मिली बग देख रहा है आपको, इसकी बॉडी क्या है, रेड कलर की होती है, लेकिन क्या है पूरा जो आप देखोगे पूरी जो इसकी बॉडी है वो क्या है, कवर्ड है किससे, वाइट पाउडरी मास से, है ना, वाइट पाउडर से क्या है कवर रहती है बॉडी, दिख रहा है सबको, है ना। वैक्स ग्लैंड होती है वो क्या, वाइट कलर का पाउडर जो है उसको सीक्रेट करती है। ये एक लीफ दिखाई गई, एक टहनी जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बात करेंगे फ्रूट के ऊपर भी, आप देख सकते हो आसानी से इस तरीके से क्या है, फ्रूट पे लीव्स पे ये चिपके रहते हैं, और फिर क्या है वहाँ से क्या है लीफ को, सॉरी सेप जो होता है यानी कि जूसी कंटेंट जो होता है उसको ये क्या है सक करते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या है इनमें कमी होने लग जाती है, फ्रूट झड़ने लग जाते हैं, फ्लावर झड़ने लग जाते हैं, प्लस क्या है ब्लैकनिंग, क्योंकि सूटी मोड लग जाता है, वो ब्लैकिश कलर के नज़र आने लगते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब इसके बाद बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें अगर हमें नेचर ऑफ डैमेज का पता है किसी भी पेस्ट का, तो आसानी से हम उसका क्या है मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। तो मैनेजमेंट में अभी आपको पता है कि इसके एगलिंग कहाँ होती है, ट्रंक के पास, ट्रंक किसको बोलते हैं ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, ये क्या है जो स्टेम होता है उसी को बोलते हैं तने को ही। तो क्या है एक मीटर क्या करेंगे, एक मीटर गहरी क्या है डीप प्लोइंग करेंगे ट्रंक के आसपास, यानी पेड़ जो होता है उसके एक मीटर तक क्या करेंगे। अब मान लीजिए ये स्टेम है ना, तो इस स्टेम के आसपास चारों तरफ क्या है एक मीटर तक हम क्या करेंगे गहरी जुताई करेंगे, जिससे क्या है कि अगर इसके अंदर एग्स वगैरह है तो वो एक्सपोज हो जाए, उनको हम किल कर सकें, ताकि इससे क्या है क्रॉवल्स ना निकलें। या फिर क्या करेंगे, स्टेम को मैंने आपको बताया कि स्टेम को कवर करते हैं, वैसे ही क्या कवर करने से पहले की बात है ये, अगर बात करें केमिकल की तो 2% पेराथियन या फिर 2% लिंडेन जो डस्ट होती है उसका लेप करते हैं, यानी कि उसको स्टेम जो है उसके ऊपर क्या करेंगे इसका लेप कर देंगे ताकि उसका अटैक ना हो। अब बात करेंगे थर्ड जो है ग्रीस बैंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, भी यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको डिटेल में लिखना है कि ग्रीस बैंड। अब ग्रीस बैंड में करते हैं क्या, ये क्या है एक मैकेनिकल कंट्रोल है, IPM के अंदर होता है ना, ये मैकेनिकल कंट्रोल है। मैकेनिकल कंट्रोल हम क्या करते हैं, ट्री ट्रंक जो होता है, पेड़ जो होता है उस पर जो सोइल वाला पोर्शन होता है वहाँ से 2 मीटर तक की, लगभग 1.5 से 2 मीटर तक की ऊंचाई तक हम क्या करते हैं एक पॉलीथीन की सीट बांधते हैं, जिसके ऊपर क्या है ऑयली कंटेंट या फिर बात करें ग्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि क्रॉल्स जो ऊपर चढ़ेंगे वो फिसल के वापस नीचे गिर जाते हैं। अब बात करेंगे स्प्रे, अगर मान लीजिए जो पेड़ है उसके ऊपर मिलीबग का अटैक हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, ये जो मात्रा बताएगी ये क्या है पर ट्री बताएगी, प्रत्येक पेड़ के हिसाब से बताया गया है। जैसे क्विनोलफोस 25 EC 50 ml, 50 ml क्या है एक पेड़ के लिए बताई गई है, या फिर एंथियो 25 EC ये भी 20 ml एक पेड़ के लिए, मेलाथियन 50 EC क्या है 50 ml पर ट्री क्या है इसका स्प्रे किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है इसमें ग्रीस बैंड वाला, तो इसको ध्यान रखना, इसको सबसे पहले भी लिख सकते हो आप अगर मैनेजमेंट की बात करें। नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है मैंगो लीफ होपर, ठीक है, मैंगो होपर भी बोल देते हैं, मैंगो लीफ होपर भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या है लगभग चीज़ें सेम है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लाइफ साइकिल, बाकी ये भी हेमिप्टेरा ऑर्डर का है, हेमिप्टेरा ऑर्डर का, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेम सिस्टम होगा, निम फॉर एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाएंगे, और दोनों ही क्या है दोनों में माउथ पार्ट्स डेवलप्ड होंगे, प्लस क्या होता है इसमें भी सेम है
वही क्या हनीड्यू का सिक्रेशन करेंगे, ब्लैकनिंग हो जाएगी, सूटी मोड लग जाएगी। चलिए बाकी देखते हैं। सबसे पहले बात करें साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एमरिटोडस एटकिन्सोनी, ठीक है, एमरिटोडस एटकिन्सोनी या फिर आइडियोस्कोपस क्लाइपिलस। ये क्या होती है, अलग अलग इसकी स्पीसीज है, ठीक है। आप एक याद रख लेना, या तो ये याद रख लेना एमरिटोडस एटकिन्सोनी या फिर आइडियोस्कोपस क्लाइपिलस भी याद रख सकते हो। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है सिकेडिलिडी, ठीक है। उसकी कोक्सीडी थी, इसकी क्या है सिकेडिलिडी फैमिली होती है। ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा, और हेमिप्टेरा में इसमें भी जो सब ऑर्डर है वो क्या है होमोप्टेरा होता है। अब देखिए बात करें होस्ट प्लांट की, तो ये क्या है मैंगो का स्पेसिफिक पेस्ट है, मैंगो पे ही लगता है मोस्टली, होस्ट मैंगो है इसका। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो लगभग नेचर ऑफ डैमेज है वो सेम है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि अब जैसे बात करें फैमिली की, तो फैमिली लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब वो हो सकता है उसका डैमेज ज़्यादा हो, इसका थोड़ा कम हो, बाकी नेचर ऑफ डैमेज सेम होता है। नेचर ऑफ डैमेज में देखिए क्या है कि नीम फॉर एडल्ट जो है, ठीक है, नीम फॉर एडल्ट दोनों नुकसान पहुँचाएंगे, ये तो पता ही है क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर है। लेकिन इसमें निम्फ जो होते हैं वो क्या है विंगलेस होंगे। उसमें क्या होता, उसमें क्या था कि एडल्ट जो हैं उनमें फीमेल जो थी वो विंगलेस थी। इसमें क्या है निम्फ और एडल्ट है, और निम्फ विंगलेस होते हैं, निम्फ उसमें भी विंगलेस होते हैं, और एडल्ट एडल्ट में विंग्स होती है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर है, ठीक है, रस चूस के उनको नुकसान पहुँचाते हैं। फिर क्या है लीफ फ्लावर या फिर बात करें फ्रूट्स, सबसे ही क्या है ये जो है शक करते हैं, है ना, जो जूसी कंटेंट जो है या रस को चूसते हैं सभी भागों से, लीव से, फ्लावर से, बड्स से, ठीक है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा एंड बिकम येलो, जिससे क्या है वो येलोइश कलर के होने लग जाते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं, ठीक है। निम्फ विंगलेस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। हनीड्यू का सिक्रेशन करेंगे, ठीक है, चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करेंगे, इससे क्या होगा कि लीफ जो है उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, ब्लैक सूटी मोल्ड की फंगस लग जाता है। अब इससे क्या होगा, सूटी मोल्ड लग गया, फंगस का अटैक हो गया, तो क्या है पोलिनेशन भी अफेक्ट होता है, यानी फ्रूट्स जो होता है अगर फ्रूट्स के ऊपर आप देखोगे कि हनीड्यू का सिक्रेशन कर दिया, ब्लैक सूटी मोल्ड लग गया, तो क्या है पोलिनेशन जो होगा, है ना, उस टाइम क्या है इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, और जिससे क्या है पोलिनेशन इफेक्ट होता है, पोलिनेशन इफेक्ट होगा, जिससे क्या हुआ फ्रूटिंग भी अफेक्टेड होगी। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूटिंग भी अफेक्टेड होगी, या पोलिनेशन हो भी जाता है तो भी फ्रूटिंग अफेक्टेड होती है, जिसका रीज़न क्या है कि छोटे जो फ्रूट बनने स्टार्ट होते हैं उस टाइम क्या है ये रस चूसते रहते हैं, जिससे क्या है प्री जो है प्री मैच्योर उसकी क्या हो जाती है झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं प्री मैच्योर, ठीक है, ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसको क्या है एक चीज़ ध्यान रखना, इसको पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट भी बोलते हैं। अब पीरियोडिक क्यों बोलते हैं, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, यानी कि एक फिक्स पीरियड पे जो नुकसान करते हैं। वैसे तो इसका नुकसान जो है हर साल होता है, लेकिन क्या है जो थर्ड टू फोर्थ यानी कि तीसरे से चौथे साल के बाद क्या है यहाँ पे जाकर इसका डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इसके बाद इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो टाइम होता है ये इसके लिए फेवरेबल, या फिर इस एज के जो प्लांट है उनमें इनका डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं। बाकी नेचर ऑफ डैमेज आपको बता ही दिया मैंने। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, तीन लाइफ में क्या है थ्री स्टेज होगी, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा क्योंकि सभी हेमिप्टेरा में यही होता है। इसीलिए क्या है जो एक्सेप्शन है इसके, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको मिलीबग के बारे में बताया था, तो क्या है जो अपवाद जो है उनको याद कर लेना, जैसे वाइट फ्लाई होगी क्योंकि इनका पूछ लेते हैं। अब फिर बात करेंगे एग्स की, सबसे पहले कि एगलेइंग कहाँ होती है इसकी, तो एगलेइंग इसकी क्या है जो शाखाएँ होती है या फिर उन पर जो पत्तियाँ होती है उसकी लोअर साइड पर, उसकी पत्तियां जो होती है पत्तियों की निचली सतह पर जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस जो होती है एपिडर्मिस के अंदर इसकी एगलिंग होती है, एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर इसकी एगलिंग होगी लोअर साइड पे। अब क्या होगा एगलिंग जब होती है ना, एगलिंग के समय क्या है, मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, लीफ होगी, तो इस लीफ के मान लीजिए ये लोअर सरफेस है लीफ की, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है जो ओविपोजिटर जो होता है ना, ओविपोजिटर जो होता है,
ठीक है, ओविपोजिटर जो होता है उससे क्या है पंच करेगी यहाँ पे, यानी कि इसको क्या है एपिडर्मिस के अंदर चुभाएगी, और चुभाने के बाद क्या है ये जैसे ही रन करती है, यानी कहने का मतलब चलते हुए एग्लिंग करेगी, तो ये क्या होता है इससे यहाँ पे ऐसे लाइनिंग सी बन जाती है, ठीक है, लाइनिंग सी बन जाती है, थोड़ी सी गहरी होती है, और इस लाइनिंग के अंदर ही इसकी क्या है एग्लिंग होती है, ठीक है, मैक लाइंस लाइन बनाएगी और लाइंस के अंदर ही क्या है उसकी एगलिंग होती है। लगभग 200 तक एग्स ये देती है, और एग इसमें भी क्या होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, यानी कि बेलनाकार एग्स होते हैं, और डल ब्राउन यानी कि मटमैले भूरे रंग के एग्स होते हैं, और उनका साइज़ क्या होता है 0.9 mm। तो ध्यान रखना इसकी एगलिंग कहाँ होती है, लीफ की लोअर साइड पर। अब बात करेंगे निम्फ की, तो निम्फ भी क्या होता है हैचिंग के बाद जैसे ही निम्फ निकलेगा उसका साइज होगा लगभग 1 mm के आसपास, और ब्राउन कलर होता है उसका, ठीक है, विंगलेस होते हैं निम्फ, ये पहले ही बात कर चुके हैं हम, निम्फ क्या है विंगलेस होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये उड़ नहीं पाते। अब उड़ नहीं पाते तो एक ही जगह पर रह के क्या करेंगे, उसको फीड करते रहते हैं, इसी वजह से क्या होता है ये जहाँ पे लग जाते हैं इनका डैमेज उस जगह पे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक ही जो प्लांट पार्ट है हो सकता है उस पे डैमेज हो और वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। अब क्या है ये, इसको होपर क्यों बोलते हैं, लीफ होपर, होपर को हिंदी में बोलते हैं फुदका, है ना, तो ये क्या है फुदक फुदक के, क्योंकि इसके लीफ तो सॉरी विंग्स तो होते ही नहीं है, तो ये क्या है जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके, जंप करते हुए इसको फीड करते हैं, इसीलिए इसको हिंदी में नाम दिया गया है फुदका, है ना। और वैसे क्या है बात करें होपर का मतलब भी क्या होता है कि ये जंप कर करके क्या है फीड करता है। अब बात करें अगर आप लीव्स जो है, अगर आप फील्ड में जाने के बाद, होपर तो और भी बहुत सी क्रॉप में लगता है, कॉटन के अंदर भी लगता है, तो आप देखोगे कि जब आप लीव्स को या फिर जहाँ पे इनका डैमेज हो रखा है थोड़ा सा आप उसको टच करके देखोगे, वो जो पार्ट है अगर आप थोड़ा उसको हिलाओगे तो उससे क्या होगा ये आपको तिरछे उड़ते हुए मिलेंगे, यानी कि एक एंगल में ये क्या तिरछे फ्लाई करते हैं, फ्लाई तो सॉरी करते ही नहीं है, विंग्स नहीं होते, जंप करते हैं, तो ये क्या है एक डायरेक्शन में क्या है तिरछे क्या है ये जंप करते हैं, और लगभग क्या होती है 5 molting होती है, इसके बाद 5 molting होती है, और उसके बाद क्या है एडल्ट में बदल जाते हैं। फिर बात करेंगे एडल्ट की, तो एडल्ट की सबसे पहले बात करें बॉडी जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगुलर कहने का मतलब क्या है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार में क्या है आगे से जो इसकी बॉडी होती है वो क्या है चौड़ी होती है, और पीछे से इसकी जो बॉडी है वो लेंथ कम होती जाती है, और ये आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ये विंग्स होगी इसके, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप, ये क्या होती है ट्रायंगुलर शेप की इसकी शेप होती है, ये ध्यान रखना, अभी आगे फोटोज़ में दिख जाएगा आपको, ट्रायंगुलर बॉडी होती है, 5 mm लगभग लेंथ होती है, और कलर कैसा होता है मटमेला भूरा डल ब्राउन कलर होता है, विंग्स होते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी विंग्स होते हैं, आर पार आसानी से दिख जाते हैं मेम्ब्रेनस। अब इस ये के इसके जो एडल्ट होते हैं वो क्या है नवंबर से फरवरी तक, यानी कि 4 month का ये जो पीरियड है नवंबर से फरवरी तक यहाँ पे ये क्या है डोरमेंसी में रहते हैं, सुसुप्तावस्था में रहते हैं, किसके अंदर ये क्या है अपनी बॉडी के आसपास क्या एक जाल बनाते हैं धागों का, धागे का एक जाल बनाते हैं, सॉफ्ट थ्रेड्स होते हैं कोमल धागे होते हैं उससे क्या है एक जाल बनाते हैं उसके अंदर ही रहते हैं, कब तक नवंबर से फरवरी तक, और उस क्या है डोरमेंसी रहते हैं इस पीरियड जो होता है इसके बीच में। फिर क्या है अगर इसकी डैमेज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये फ्लाई तो कर नहीं सकते, तो ये जहाँ रहते हैं उस जगह पे क्या है ग्रुप में क्या है ये नुकसान पहुँचाते हैं, तो ग्रुप के अंदर ये क्या है नुकसान पहुँचाते हैं, और दूसरी बात ये क्या है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइट अट्रैक्टिव होता है यानी कि प्रकाश जो होता है उसकी तरफ ये क्या है अट्रैक्ट होते हैं या फिर उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है प्रकाश की तरफ, तो ये एडल्ट हो गए। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो कॉमन सी बात है मैंने आपको बता दिया, एक तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, टोटल लाइफ साइकिल जो है बात करें स्टेज कितनी होगी लाइफ साइकिल में 3 stage होगी, फर्स्ट एग, एग से 7 से 10 दिन बाद निम्फ निकलेगा, निम्फ से 21 से 28 दिन बाद में एडल्ट, और उससे 3 से 4 दिन बाद में क्या है जो फीमेल जो होती है वो वापस एगलिंग स्टार्ट कर देती है। टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 31 to 41 days के अंदर, ठीक है 31 से 41 दिन में, और एक साल में लगभग इसकी क्या है 2 generation पाई जाती है, 2 generation एक साल के अंदर पाई जाती है। अब बात करेंगे तो देख लीजिए फोटोज से आपको पता चल रहा होगा ये क्या है इसका एडल्ट, अब दिख रहा है आपको बॉडी कैसी है इसकी ट्रायंगुलर शेप की,
बॉडी दिख रही है, बॉडी कैसी है इसकी, ट्रायंगुलर शेप की है ना, इस प्रकार ये क्या है, त्रिभुजाकार बॉडी होती है। और ये दिख रहा है आपको विंग, आप देखो लीव्स जो है वो क्या है, ब्लैक कलर की हो रखी है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये धब्बे से बन रहे हैं। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं, उससे क्या थोड़ी सी क्या है होती है, स्कॉर्चिंग होती है, सॉरी क्या संकुचन होता है, लीफ जो होती है वो क्या है सिकुड़ने लगती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जैसे ही जूस कंटेंट अगर लीफ में कम होगा तो क्या कर्लिंग तो होगी हल्की सी। अब उसके साथ साथ क्या है, ये हनी ड्यू का सिक्रेशन करते हैं। अब हनी ड्यू का सिक्रेशन करने से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लैक कलर की सूटी मोल्ड लग जाती है। ये दिख रहा है आपको, ये सूटी मोल्ड की वजह से ही क्या हुआ है, यहाँ पे इस फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे ब्लैक कलर का नजर आने लग जाता है। पूरा फील्ड जो दिखाई दे रहा है, ये मैंगो है ना, ये सारे क्या है ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। और ये इसके निम्फ हैं, ग्रुप में क्या रहते हैं, लीफ के ऊपर है, लीफ के ऊपर ग्रुप में रह कर क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, या बात करें उससे जो है जूस कंटेंट वगैरह है उसको सक करते रहते हैं। तो ये हो गया इसका। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि जितनी भी ओल्ड ट्रीज हैं उनकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करने का मतलब क्या, शाखाएं काट देते हैं। कौन सी, अब क्या जैसे जैसे पेड़ हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद क्या जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, उसका फैलाव भी बढ़ता जाता है। तो अगर दो ट्रीज़, दो पुराने कोई भी ट्रीज़ हैं, वो आपस में टच हो रहे हैं, यानी कि उनकी ब्रांचेज, एक जो है एक ट्री जो है उसकी ब्रांच जो है दूसरे के साथ टच हो रही है, तो हम क्या करते हैं दोनों में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करने का मतलब क्या है, उनको काट देते हैं शाखाएँ, ताकि एक प्लांट पर अगर, क्योंकि आपको पता है निम्फ है, विंगलेस होते हैं, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या है वो ना जा पाए। इसलिए अब इसके बाद प्रूनिंग होगी। नए प्लांट की बात करें तो हम क्या है प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखते हैं, कि नए प्लांट अगर लगा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके बीच स्पेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए। फिर क्या, अगर अटैक हो जाए तो इनमें से किसी एक जो है केमिकल की स्प्रे करते हैं, या तो रोगोर 20 ml, ये मैंने आपको बताया क्या है पर ट्री है ध्यान रखना, या फिर नुवान जिसको DDVP भी बोलते हैं, मेलाथियन, क्विनोल, फोस, कार्बेरिल 50, ये कार्बेरिल क्या है 50% सोल्यूबल डस्ट, यानी कि सोल्यूबल घुलनशील चूर्ण होता है ये, इसकी 20 से 25 ग्राम मात्रा, बाकी सारे क्या ml में हैं, क्योंकि ये क्या है लिक्विड होते हैं, तो इनकी क्या है स्प्रे करते हैं। अब बात करें इसके अलावा क्या है नेचुरल एनिमीज़ की बात करें, तो कुछ नेचुरल एनिमीज़ है, जैसे ये दिख रहा है पाइपनकुलस स्पीसीज हो गया, एपी पायरोपस स्पीसीज हो गया, ये तो दोनों क्या है निम्फ पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है निम्फ पर पैरासाइट रहते हैं, लेकिन ये क्या है एक स्पीसीज है ड्राइनस स्पीसीज, ये क्या है एडल्ट के ऊपर परजीवी के रूप में रहता है, पैरासाइट के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, नुकसान तो दोनों ही करते हैं निम्फ और एडल्ट। हेमिप्टेरा, प्रत्येक हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन जो निम्फ वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, यानी कि निम्फ जो स्टेज होती है इसके द्वारा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये लाइन ऐड कर देना जब भी नेचर ऑफ डैमेज लिखो, कि निम्फ के द्वारा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि निम्फ का लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, प्लस क्या है ये क्या है अगर बात करें तो यंगिश होते हैं, यंग होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, इसलिए इनको क्या है भोजन की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा फीड करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या है जल्दी जल्दी वो इसको इनको भोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या है निम्फ जो होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो ये आज की क्लास हमारी हो चुकी है, इसमें हमने पढ़ा आज मैंगो के पेस्ट, मैंगो के इसके अलावा आपके दो पेस्ट और हैं, वो क्या है हम नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना भाई, मैंगो मिलीबग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।